सेशन एज यू कैन ऑलरेडी सी विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट ठीक है नाउ करंट अफेयर्स जीके का जो पूरा सेक्शन है आप सब जानते हैं यहाँ पे कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और इट्स ऑफ़ उसके के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट पांचों सेक्शंस में से जो सबसे जरूरी और जो सबसे बच्चों के लिए डरावना होता है जीके एंड करंट अफेयर तो this topic right now, ठीक राइट like अभी जुलाई एंड लगभग लगभग हो रहा है और अभी इस टॉपिक पे बात किए जाने की क्यों जरूरत है पास्ट फ्यू वीक्स ठीक है चाहे मैं यहाँ पे uh, कोई भी YouTube पे कोई सेशन ले रहा हूं क्लास में कोई सेशन ले रहा हूँ ऑफलाइन uh, में कोई सेशन यहाँ पे ले रहा हूं हिंदू का एनालिसिस चल रहा हो तो वहां पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है अभी कि सर uh, हमने लेट ज्वाइन किया है या फिर हम अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर हमने पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है वो नहीं प्रिपेयर कर पाए तो सर प्लीज आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि, कि किस मंथ्स के करंट अफेयर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर कहाँ पे हमें फोकस ज्यादा रखना है ठीक है तो क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं अभी तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन को मैं लेके आया हूं यहाँ पे कि कौन से मंथ्स के करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है कंसोर्शियम ज्यादा फोकस रखता है और अगर आपने अभी तक भी ठीक से पढ़ाई नहीं की है करंट अफेयर्स को नहीं कवर किया है तो लास्ट फोर मंथ लगभग लगभग 4 मंथ्स बचे हुए हैं तो क्या आप इस आ, मतलब क्या पूरा जीके पूरा करंट अफेयर्स को अच्छे से कर सकते हो नहीं कवर कर सकते हो तो इसलिए ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है ठीक है सो इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट सेशन बट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से और

इसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं नाउ नॉट क्वेश्चन यहाँ पे हम एक एक साल का यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं नाउ दिस एनालिसिस इट इज बेस्ड फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था Before 2020 इसके पहले के जितने भी क्लैट के पेपर होते थे वहाँ पे टोटल टाइप के क्वेश्चंस होते थे 50 क्वेश्चंस तब भी जीकेन लाइनस होते थे बट इन 2020 यहां पे क्या होता है ओवरऑल पूरा चेंज कर देता है पैटर्न को और इसके बाद से यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो हमारा जो पूरा सैंपल साइज है पांच सालों का वो ट्वेंटी से स्टार्ट होगा ठीक है ना ट्वेंटी का जो क्लार्ट का पेपर हुआ था वो थोड़ा सा डिले हो गया था उस टाइम पे और वो सितंबर

एसओ uh, की यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इट हैपन इन सेप्टेंबर ओनली ठीक है तो जब पेपर था उसी महीने में एस की मीटिंग हुई थी एंड दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज एंड इट वॉज आस्ट बाय दी क्रैड कंसोशन द नेक्स्ट टॉपिक इज आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी उन्होंने रिलीज की थी सितंबर 2020 में एंड उसी महीने में उन्होंने जब एग्जाम हुआ था तब इस टॉपिक को पूछ लिया था ठीक है एंड द लास्ट टॉपिक इट वाज व्हाट द इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक है सो so मे 2020 के टाइम पीरियड में ठीक है जो तीन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल सो

ये पूछा गया था कोविड कोविड ठीक ठीक है है तो जनवरी पे जो COVID का टॉपिक था था वो लगातार न्यूज़ में चल रहा था, और यही उसपे भी बेस एक पैसेज पूछ लिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट हुई थी बांग्लादेश में, में तो यहां पे कंप्लीट हुए थे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को तब वो वहां पे गए थे मार्च 2021 में ठीक है एंड द लास्ट वन द इंडो चाइना आर्मी कॉन्फ्लिक्ट ऑल्दो दिस टॉपिक इट इज गोइंग ऑन सिंस इटर्निटी बट फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था ये जून 2021 के आसपास हुआ था ठीक है सो दैट्स व्हाई इस टॉपिक में भी क्या हुआ था पूछ लिया गया था ठीक नाउ दिस वाज व्हाट दिस वाज द 7th मंथ दिस वाज द 7th मंथ और आप खुद देख सकते हैं यहां पे 3rd ठीक है ये एकमात्र टॉपिक था जो कि दिसंबर से पूछ लिया था मार्च अगेन द थर्ड मंथ ठीक है फेथ फॉर राइट राइट इनिशिएटिव अगेन द थर्ड मंथ कोविड कोविडीन का टॉपिक था मार्च थर्ड मंथ ठीक है एंड इंडो चाइना जून के टाइम पे न्यूज में था उस पर बेस भी पूछ लिया था ठीक है अगेन द फोकस विल बी वॉज ऑन वॉट लास्ट सिक्स मंथ लास्ट सिक्स मंथ के ऊपर ज्यादा फोकस था ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द ट्वेंटी वन क्लैट पेपर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन

जून में पूछ लिया गया ठीक है पैसेज ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसमें मिक्स बैक्स ऑफ क्वेश्चन थे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बेस एक पैसेज था ठीक है सी एस आर सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बेस एक पैसेज आया था ठीक है रिकरिंग टॉपिक था न्यूज में चल रहा था ठीक है ड्रोन शक्ति पैसेज ठीक है सो दिस ड्रोन शक्ति ये जो पूरा ये ड्रोन शक्ति का जो पूरा पैसेज था ये फेब्रवरी 2022 में न्यूज में था और इसको पूछ लिया गया था एंड द लास्ट पैसेज इट वाज बेस्ड ऑन सागर इनिशिएटिव ठीक है अगेन रिकरिंग टॉपिक था वो पूछा था ना जून 2022 में पेपर हुआ था आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉपिक्स थे वो फेबर के हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पे फेबर का ये वाला टॉपिक है इसरो वाला जो टॉपिक है ये मार्च के आसपास न्यूज में था

ठीक है। दिसंबर में पेपर शिफ्ट हो गया आई थिंक के आसपास ये पेपर हुआ था। ठीक है। अब दिसंबर में जब पेपर शिफ्ट हुआ तो जो थे 2023 के सॉरी हाँ दिसंबर 2022 में वाज uh, कंडक्टेड अब कौन कौन से टॉपिक थे जुलाई का जुलाई में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे ठीक है जिसमें द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट बन गई थी उस पर एक टॉपिक uh, था ठीक है

करंट अफेयर्स उन पे फोकस था, था। ठीक है लास्टली अब आखिरी पेपर की हम बात कर लें जो लास्ट 2023 के दिसंबर में हुआ था 2024 का पेपर ठीक है ना पेपर इट वॉज कंडक्टेड ऑन थर्ड ऑफ दिसंबर थर्ड ऑफ दिसंबर 2023 ठीक है तो 2024 का पेपर ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर 2022 को 2023 को कॉन्डक्ट हुआ था ठीक है

Uh, मतलब कोर करंट अफेयर्स से बिलोंग नहीं करते थे दे वर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्टैटिक पोर्शन ठीक है तो डॉक्टर अंबेडकर की एक जो उन्होंने स्पीच दी थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस पे भी एक पैसेज था एंड लास्टली द वाला बाग नरसंहार ठीक है उस पे भी एक पैसेज पूछा गया था ठीक है नाउ अगर हम तीन टॉपिक्स की यहां पे बात करें तीन पैसेजेस की बात करें दे ऑल इन न्यूज़ इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ दिसंबर सॉरी लास्ट 6 मंथ्स ऑफ ये की में वो फॉल कर रहे थे ठीक है तो ये चीज ये पॉइंटर आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब अगर हम यहाँ पे बात करें जो ट्वेंटी ट्वेंटी वो फर्स्ट ऑफ दिसंबर को होगा फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी होने वाला है ठीक है अब पिछले इतनी देर से मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताए हैं मैंने जो पॉइंटर्स एक्सप्लेन किए हैं उनके हिसाब से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी दैट द क्लैट द्लैट इट्स फोकस इज ऑन वेयर द क्लैट क्लैटोशन इट्स इज ऑन लास्ट सिक्स लास्ट सिक्स मंथ्स पे कंसोशियम का फोकस ज्यादा होता है लास्ट uh, सिक्स के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं क्लैट में ठीक है आपने अभी कुछ दो तीन अपवाद होंगे दो तीन अपवाद होंगे होंगे जो कि पहले भी पूछ ले गए अलग टाइम पर भी पूछ ले गए बट द फोकस इज ऑन लास्ट सिक्स मंथ ठीक है तो अगर आपने अभी भी यहां पर मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कर दू द पेपर इज ऑन फर्स्ट ऑफ दिसंबर ठीक है और अभी चल रहा है क्या अभी चल रहा है हमारा जुलाई ठीक है जुलाई एंड पे हुआ ठीक है अब जुलाई के बाद यहां पे क्या क्या है जुलाई के बाद यहां पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ठीक है ये हो गए चार महीने और अगर आप इसमें जून जुलाई भी भी अगर अगर आप इसमें ऐड कर लें, so ठीक तो है? है, है तो, अभी आपका का या फिर आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझसे एग्जाम नहीं होगा या फिर अब मैं छोड़ देता हूं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करूंगा जीके का इतना सारा बैकेज है जीके का इतना सारा बैकलॉग है मैं तो पूरे साल भर का जीके कवर ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि लास्ट फाइव इयर्स का जो सैंपल साइज है जो डेटा है वो यही बता रहा है कि लास्ट सिक्स मंथ पे कंसोशियम का फोकस ज्यादा होता है आगे आने वाले जो चार महीने हैं जून का महीना जुलाई का ये जो ऑन गोइंग रनिंग महीना है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पैसेज पिक किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टडी ये स्टडी ये बता रही है ठीक है ना तो लास्ट सिक्स मंथ्स पे फोकस ज्यादा है आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन को फर्दर बूस्टअप कर सकते हैं